भी मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और पुरानी वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट के प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब। बहुत स्लो है सब्सक्रिप्शन की स्पीड जो है। पहले सबसे पहले अमेरिकन पॉलिटिक्स इलेक्शन का जो ट्रांजिशन चल रहा है उस पर बात करेंगे, फिर वैक्सीन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बख्तावर भुट्टो की जो आज मंगनी हुई अभी इस वक्त रात के यहाँ तकरीबन 3:30 बज रहे हैं साउथ में, और तो अभी अभी खबर आई है। फिर ISPR के तर्जुमान ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। अमेरिकन पॉलिटिक्स में तो देखें ट्रांजिशन की स्पीड बहुत तेज है, उन्होंने इलेक्शन ट्रंप ने नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक, कंसीड नो कंसीड की कहानी हो रही है, मगर रिपब्लिकन आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं और हर जगह से आ गया है कि देर इज नो एनी सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट और फॉल्स और जो भी वट एवर के वोट के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको 5 नवंबर को बता दिया था कि जो बाइडन के 306 इलेक्ट्रॉल वोट होंगे, तो आज जॉर्जिया की फतह जो प्रोजेक्ट की गई है उसके साथ उनके 306 इलेक्ट्रॉल वोट हो गए। मैंने डोनाल्ड ट्रंप का गलत बताया था, 328 बताए थे उस वक्त, क्योंकि मैं अलास्का भूल गया था, 3 उसके इलेक्ट्रॉल वोट है और 1 वोट उनका जो 2 रियासत हैं उनमें से डिवाइड होता है वोट, तो 1 वहां से, तो 332 है उनके। साथ में कोरोना जो है बहुत शदीद तरीन तेजी से फैल रहा है, 101,75,000 लोग आज पॉजिटिव थे और कल 1,60,000 से अबव थे, और ये नंबर बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है। टास्क फोर्स बना दी है लाइक प्रेसिडेंट बाइडन ने, जिसमें 2 इंडियन है और दोनों साउथ से हैं, 1 खातून है और 1 को चेयरमैन बनाए हैं साथ में टास्क फोर्स के, वो कर्नाटका से हैं, और खातून जो गाउंडी समथिंग करके उनका नाम बड़ा मुश्किल सा नाम है, हिंदू नाम है, वो भी साउथ से और वो तमिलनाडु से हैं, मगर बहुत पढ़े लिखे दोनों। फिर साथ में हमारे एक पाकिस्तानी जिनका मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि वो शायद सेक्रेटरी भी बने, फारूक मिठा, ये बताए जाते हैं जनरल मिठा हुआ करते थे पाकिस्तान में, एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनके भतीजे हैं, और उनको बाइडन ने अपनी ट्रांजिशन टीम में जो डिफेंस को डील कर रहे हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट के मामलात को, उसका हिस्सा है, जो एक बहुत अहम बात है, और कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। तो साथ में मैंने आपको बताया था कि उसमें ख्वाजा मुनीर हैं, ये ज़ीलफ मुनीर के हस्बैंड हैं, जो अपना की 2010 में मेरे ख्याल में या 12 में प्रेसिडेंट थी, और इस वक्त PIA बोर्ड की मेंबर हैं और PTI के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनके बहुत करीब होकर काम कर रही हैं पाकिस्तान में। ये बिजनेस टाइकून फैमिली है, ये आपने पीक फ्रेंड्स बिस्किट और नेशनल फूड का जिक्र सुना होगा, उसमें ये लोग मेजर पार्टनर हैं। और ख्वाजा मुनीर जो है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके बांग्लादेश में मिल्स वगैरह, ये डेलवर में पड़ोसी रह चुके हैं मोहतरम हमारे इलेक्ट प्रेसिडेंट बाइडन के, और ये कैरी लूगर बिल जब बन रहा था तो सदर उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के नुमाइंदे के तौर पर इस बिल के हवाले से हुसैन हारून या जो पाकिस्तान मिशन में उस वक्त एम्बेसडर थे और हुसैन अक्कानी उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये एक तफसील है, फिर कभी सुनाऊंगा, बाकी मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी है। तो इसमें एक आखिरी जुमला मैं दिलचस्पी बताता चलूं कि मैंने किसी से पूछा कि पाकिस्तान के हवाले से ये लोग क्या कर सकते हैं, उनका देखें बाइडन के सामने जब सबसे पहले नाम आएगा पाकिस्तान का ना, तो उनका चेहरा लाल हो जाएगा गुस्से से, और वो कहेंगे कि हक्कानी ग्रुप ने अमेरिकन बहुत सारे फौजियों को मारा। तो उस पर हमारी तरफ से जवाब होगा कि जी आपको ये ताजिक एजेंसियाँ बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं और ये झूठ है, और बड़ा रिवायती से जवाब होगा। मगर इसमें खुशी की खबर यह है कि बाइडन जो डेमोक्रेट है फाइनली, इंडिया प्रो इंडिया है और इंडिया तो एक मेजर अलाय है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि खारजा पॉलिसी ऐसे शिफ्ट नहीं होती, मगर इंडिया के साथ काम करने के साथ एंटी मोदी हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स और जो मुसलमानों के साथ वहाँ सिटीजनशिप के इश्यूज हैं उसके हवाले से बाइडन और कमला हैरिस दोनों अगेंस्ट हैं इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के इस मौजूद रवैये के और वहाँ की मौजूद हुकूमत के। तो उससे हमारी हुकूमत क्या फ़ायदा उठाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फारूक मिठा, दिलावर सैयद, डॉक्टर जफर इकबाल, हुसैन कानी और ये ख्वाजा मुनीर, ज़ैलुफ मुनीर, ये कितना हेल्प आउट कर सकेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब मैं आता हूँ वैक्सीन की तरफ। ये आपने सुना होगा कि मुसलमानों ने बनाई है,
ये डॉक्टर ओर शाहन है, ये इनका खानदान टर्किश इस्कंदरून कोई जगह है, मैं इसका पूरा नाम मेरे जहन में एक मिनट ठहरे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस्कंदरिया नहीं कहते, इस्कंदरून कहते हैं, उस जगह से ये जर्मनी मूव हुए थे और वहाँ इनकी पैदाइश हुई, इनके पेरेंट्स वहाँ मूव हुए थे कुलोन में। जो इनकी बेगम है ट्रेसी, वो भी टर्किश फैमिली से हैं मगर ये भी कुलोन में पैदा हुई, ये बड़े होकर नन बनना चाहती थी मगर इनकी शादी आपस में हो गई, वो मुसलमान है, मुसलमान इसलिए है कि उनको मुस्तफ़ा एक प्राइज है टर्की का, जो सिर्फ मुसलमान साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी में जो कुछ लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है, तो इससे साबित होता है कि वो मुसलमान है। और ट्रेसी नन बनना चाहती थी तो साबित होता है कि जी वो क्रिश्चियन है। तो बारह इनकी 2002 में शादी हुई, इनकी एक बेटी है और इनकी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम मैं आपको देख के बताता हूँ, मैंने लिख के रखा है कि बायो एंड टेक के नाम से, जिसने फाइजर से कोलिशन किया और इन्होंने मिलकर दोनों मियाँ बीवी ने वैक्सीन तैयार की और उसमें कहते हैं कि अपने हस्बैंड को मिस ट्रेसी ने लीड किया इस वैक्सीन बनाने में और फाजल ने उनसे ये वैक्सीन बनवाई। तो मुसलमान बहुत खुश है इस बात पे, मगर इसमें ये ध्यान में रखिए कि बाहर निकल के ही मुसलमान कारनामे अंजाम देते हैं अपने मुल्कों में रह के, क्योंकि मजहबी सफोकेशन साइंटिस्ट नहीं पैदा करती। और तारीख में जाकर देख लें, जो जो हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं ना उनके साथ हमने जो सलूक किया है, और वो एक इबरतनाक दास्तान है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कि साथ में जो अगर कुछ रह गया तो मैं देखता हूँ। मेरे पास जो वैक्सीन का बता दिया, बख्तावर की शादी 30 जनवरी को शादी है, ऐलान अभी 27 नवंबर को मंगनी का हुआ है और कहा जाता है कि जी ये एक महमूद चौधरी हैं उनसे उनकी शादी हो रही है और उनके वालिद ताजिर हैं, अमेरिकन ताजिर, उनका नाम है यूनुस चौधरी। तो यूनुस चौधरी की जो मैंने डिटेल निकाली है, ये एक आयल टाइकून है, इनकी एक कंपनी ह्यूस्टन में शो होती है YBC फाउंडेशन के नाम से, ये 16 साल पहले कंपनी बनी है और इनकी ये कंपनी 97 से है बेशोर कनाडा वेंचर के नाम से, और ये ऑयल का काम करते हैं। और यूनुस चौधरी साहब जो हैं ये ऑयल सप्लाई का काम करते हैं, ये पाकिस्तानी बहुत करते रहे, ये बाबर नदीम जो आपके वजीर पेट्रोलियम है वो भी यहाँ एक कंपनी में उसके एग्जीक्यूटिव थे, और ये आजम स्वाति जो है ये भी यही काम करते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं होलसेल के, ये ऑयल खरीदते हैं, और क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस के बहुत सारे गैस स्टेशन है अमेरिका में तो इनके मेजर टारगेट उन्हें फरोख्त करना होता है। इसकी मजीद अभी डिटेल नहीं आई है। ये 72 में यूनुस चौधरी साहब ने पंजाब से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और ये 71 में मिलिट्री अकेडमी में भी शो होते हैं, मतलब आर्मी से भी इनका ताल्लुक रहा है। और महमूद चौधरी हैं जो इनके साहबजाद हैं, उनकी डिटेल अभी सामने नहीं आई क्योंकि रात के 4 बज रहे, तो कल इंशाल्लाह मैं इस पर आपको और डिटेल दूंगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से करीब होने के लिए ये एक सियासी शादी की है, वरना रिवायती तौर पे तो ये बलोचों में शादी होनी चाहिए थी, सिंध में शादी होनी चाहिए थी, मगर ये चौधरीयों में हुई है और आर्मी अकेडमी से ताल्लुक निकलता है, मिलिट्री अकेडमी से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से है, और फिर बिजनेस टाइकून ने ध्यान में रखें, यहाँ एक यूनुस चौधरी और भी है, डॉक्टर यूनुस चौधरी, वो फॉरेंसिक के साइंटिस्ट हैं और अभी रिसेंटली पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी कांग्रेस के नाम से उसके प्रेसिडेंट बने, मगर वो एक साइंटिस्ट हैं तो दौलत नहीं हो सकती उनके पास, और बगैर दौलत के सियासतदान पाकिस्तानी शादी नहीं कर सकता, तो वो यूनुस चौधरी ऑयल टाइकून जो है उन्हीं के ये शादी साबित होगी यकीनन। तो मैं इस पर डिटेल आपको कल दे दूंगा। अब आइए मैं आपको जरा हमारे ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल ने शाह महमूद कुरैशी नाजुक अंदाम वजीर खारजा हमारे जो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि जी किस तरह से रॉ हमारे मुल्क में अफगानिस्तान के रास्ते ये सारी बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, सियासतदानों की जिंदगियाँ खतरे में हैं और पिशावर स्कूल से लेकर जगह जगह जो दहशतगर्दी है। सबसे पहले ध्यान में रखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त की गई है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं मंडे ट्यूजडे को मेरे ख्याल में किसी वक्त, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये बेसिकली
जो गनी हुकूमत है अफगानिस्तान उस पर अदम एतमाद है, और अमेरिकन को एक मैसेज है कि इस हकूमत के साथ जो तालिबान से आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, और हम उसमें इतने सपोर्टिव नहीं हो सकते कि वहाँ से बैठ कर इस हकूमत की जो ज़ेर इंतज़ाम हमारे मुल्क में ये कार्रवाइयाँ हो रही है। मगर मैं इससे हटकर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें जनाब, ये जितनी कार्रवाइयाँ दिखाई हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में, ये बलूचिस्तान में और सिंध में दिखा रहे हैं, और जितने दहशत गर्दों का रॉ से ताल्लुक साबित किया जा रहा है वो सारे के सारे इन्हीं तीन सूबों से ताल्लुक रखते हैं। इसमें अहले शऊर के लिए बड़ी निशानियां हैं, इसे गौर करने की जरूरत है, और हमारी आर्मी को भी गौर करने की जरूरत है कि ये सारे दहशतगर्दी के वाकयात वहां क्यों नहीं होते जहां पर दोनों मुल्कों की सरहदें मिलती 90%, वहां क्यों हो रहे हैं कि जहां सरहदें भी नहीं मिलती, और दहशतगर्दी वहां क्यों पैदा हो रहे हैं जहां हमारी सरहदें नहीं मिलती, और सपोर्ट जो है कि देखें जो बगावत की तारीख है या इनकलाब की तारीख है या आज़ादी की तहरीकों की तारीख है वो हुकूक सलब किए जाने से जुड़ी होती है, नाइंसाफियों से, मेरिट के कत्ल से, कानून ख़त्म हो जाने की तारीख से जुड़ी हुई है। आप इसे देखिएगा, मैं इस पर और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर ये बहुत गौर तलब बात है। और जो उन्होंने कहा है शाहमहमूद कुरैशी ने और मेजर जनरल साहब ने कि वो दुनिया के सामने सबूत रखेंगे, देखिए अमेरिका में तो मैंने आपको बता दिया कि अभी टास्क फोर्स बनी है कोविड-19 की, तो उसमें दो इंडियन हैं, और कहा जा रहा है कि जी जो बाइडन इलेक्ट हैं उनकी जब वो कैबिनेट बनेगी उसमें भी यह मुमकिन है कोई इंडियन हो, और एक पाकिस्तानी का नाम भी आ रहा है यकीनन, जो बहुत खुशी की बात है। मगर इंडियन लॉबी यहाँ बहुत मजबूत है, और खाली चाइना से को सबूत दिखा के बार बार उससे वीटो करवा के या उसके जोर ज़बरदस्ती, क्योंकि वो सलामती काउंसिल का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है तो वो मीटिंग बुलवा सकता है, अकेले उससे कुछ नहीं होगा। वहाँ फ्रांस जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करके ऐसी तमाम मीटिंग्स को नाकाम बना दिया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि ये दहशतगर्द इन तीन सूबों में क्यों पैदा होते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जी अजमल पहाड़ी ने बताया कि जी अल्ताफ हुसैन के बड़े ताल्लुकात हैं दहशतगर्दी के हवाले से इंडिया से, और इंडिया ने अल्ताफ ग्रुप को तरबियती कैंप भी बना कर दिए। तो साथ में ये भी बताना चाहिए था कि अजमल पहाड़ी ने यह कब बताया था, ये जब बताया था जब मुशर्रफ की हुकूमत थी और MKM का तूती बोलता था, फौज उनके साथ मिलकर काम कर रही थी, और अजमल पहाड़ी के बारे में ये भी बताइए कि उस पर कोई भी दहशतगर्दी आप साबित नहीं कर सके, वो अदालतों से बरी हो गया, आप उसका कुछ नहीं कर सके, तो आपने उसे नज़रबंद रखा हुआ है, आप उसे साबित नहीं कर सके अभी तक कहीं भी। तो आप तारीख भी बताएं कि आप उसी अल्ताफ हुसैन के साथ काम करते रहे जब ये सब दहशतगर्दी के इल्जाम थे, और NRO देकर आप ये सब खत्म भी कर चुके, उसके बाद आपने पॉलिसी शिफ्ट किया, दोबारा दहशतगर्द करार दिया। उससे पहले मुशर्रफ के दौर में तो ISI के चीफ से लेके MI के चीफ से लेके अल्ताफ हुसैन से आप लोग मिलने के लिए जाया करते थे। तो आप कौम को गुमराह मत करें, आप साफ साफ ये भी बताएं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, और सारे मामलात ऐसे शफाफ नहीं जैसे आप जाहिर कर रहे हैं। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि इन तीन सूबों में दहशतगर्दी क्यों है, वहां ऐसे क्या मसाइल हैं। सारे दहशतगर्दों की जो लिस्ट आई है आपने देखा कि 780 के करीब सिर्फ KPK से हैं, वो KPK जिसका एक फौज में 19% के करीब हिस्सा है, जो इस्टेब्लिशमेंट का बिगिनिंग से हिस्सा रही है, जहां से इसहाक खान सदर रह चुके हैं, अयूब खान फील्ड मार्शल अयूब खान साहब आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, बड़े बड़े नामवर जनरल वहां से रह चुके हैं, वहां ऐसे क्या मामलात हैं कि वहां से दहशतगर्दी उभर रही है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सबके सामने है। मैं आज का वीडियो इसी पर खत्म तक करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे कल अगले वीडियो में बात होगी। अल्लाह।